मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ किया है। विभिन्न मांगों को लेकर आज दोपहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने सैकड़ों छात्रों के साथ मेडिकल विश्वविद्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। तीखी नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने कुलपति कार्यालय में भी उपद्रव करते हुए तोड़फोड़ मचा दी। सैकड़ों छात्राएं नारेबाजी करते हुए मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर पहुंचे। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और मेडिकल छात्रों ने काफी देर तक प्रदर्शन किया और कुलपति के चैम्बर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ भी कर दी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि मेडिकल विश्वविद्यालय के द्वारा पिछले सत्र की परीक्षाओं से लेकर सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट अब तक घोषित नहीं किए गए हैं। यहाँ तक कि छात्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन उदासीन बना हुआ है, जिससे न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है बल्कि कैरियर भी दांव पर लग गया है। MBBS, पैरामेडिकल, आयुष, BAMS और BHMS से जुड़े छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति से चर्चा की और जल्द से जल्द मांगों के निराकरण करने को कहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के भीतर छात्रों की समस्याओं पर गौर नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। मेडिकल विश्वविद्यालय में हुए उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता पल्ला झड़ते हुए तोड़फोड़ कर ठिकरा विश्वविद्यालय के ही कर्मचारियों के सिर मरते नजर आ रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए विश्वविद्यालय में भारी पुलिस बल का भी तैनात की गई है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों ने कुलपति कक्ष में घुसकर न केवल हंगामा मचाया बल्कि तोड़फोड़ भी कर दी। इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि छात्रों की समस्याओं का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। यही वजह है कि एक साल में होने वाले कामों को पिछले 3 माह में पूरा कर छात्रों को राहत दी जा रही है। इधर पुलिस मेडिकल विश्वविद्यालय में कुलपति के कक्ष में हुई तोड़फोड़ के मसले पर विश्वविद्यालय प्रशासन से FIR कराने का इंतजार कर रही है। 90,000 स्टूडेंट्स के प्रवेश परीक्षा और परिणाम चरमरा से गए। आज उसी मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता BMS, BHMS, नर्सिंग, MBA स्टूडेंट्स के साथ आए हैं और अपनी समस्याएं लेकर आए हैं और हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। तो रिजल्ट तो समय पे आ ही रहे हैं, कुछ रिजल्ट इसलिए रुक जाते हैं कि जो टीचर वैल्यूएशन नहीं करते हमारी डिपेंडेंसी टीचर्स पे, जब तक वो वैल्यूएट नहीं करेंगे हम रिजल्ट कैसे दे पाएंगे। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।